ट्रेन ऑपरेशन की बंदिश का इत्तलाक हो गया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की तादाद ना होने के बराबर। कराची से गुज़श्ता रोज रवाना होने वाली ट्रेनों की लाहौर आमद जारी। आखिरी ट्रेन खैबर मेल एक्सप्रेस रात 7:30 बजे लाहौर पहुंचेगी। सईद अहमद सईद से जान लेते हैं। जी सईद, बिल्कुल, वजारत रेलवे के बाद ट्रेन ऑपरेशन की बंदिश का मामला जो है वो आज रात 12 बजे से ही उसका इतलाक है वो लाहौर समेत मुल्क के तमाम बड़े रेलवे स्टेशन पर है वो हो चुका है। और रात गए जो और गुज़श्ता रोज़ कराची से चलने वाली ट्रेनें थी वो आज लाहौर है अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक है वो लाहौर आ रही हैं। और रेलवे इंक्वायरी के मुताबिक आज तकरीबन 8 ट्रेनें मजीद है वो लाहौर पहुंचेगी, जिनमें ग्रीन लाइन है, पाक बिजनेस समेत अलामा इकबाल एक्सप्रेस है, फरीद एक्सप्रेस है, शाह हुसैन है, कराक्रम है। और ये ट्रेनें हैं अपने लाहौर पहुंचने के बाद अपनी मुकर्रर मंजिल मकसद पहुंचने के बाद बंद कर दी जाएंगी। लिहाजा ट्रेनों बंद होने से जो रिजर्वेशन दफातर हैं वो बंद कर दिए गए हैं और किसी भी किस्म की जो टिकटों की रिफंडिंग है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है वो कर दी गई है। और ज़राए का ये कहना है कि 31 मार्च के बाद टिकटों की ये जो रिजर्वेशन और उसके साथ साथ टिकटों की रिफंडिंग है जो इन ट्रेनों में लोगों की हुई थी वो शुरू की जाएगी। लिहाजा कराची से लाहौर जो गुज़श्ता रोज़ ट्रेनें चली थी वो आज लाहौर रेलवे स्टेशन पहुँच रही है और यहाँ पर सिर्फ रश वही नहीं लोगों का है जो दीगर शहरों से लाहौर है वो आ रहे हैं, लेकिन लाहौर से दीगर जाने वाली तकरीबन 60 ट्रेनें जाने और आने वाली मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। और कराची डिवीज़न से आने वाली ट्रेनें हैं वो तकरीबन 1 से 2 घंटे की ताखीर से लाहौर है वो पहुंच रही है। और लाहौर रेलवे इंतजामिया के मुताबिक जैसे ही वो ट्रेनें लाहौर पहुंचेंगी उनको भी बंद कर दिया जाएगा और बंद करने के बाद उनको वॉशिंग लाइन के अंदर उसकी फ्यूमिगेशन के साथ साथ उनकी जो मैंटेनेंस है और सिक लाइन में उनकी जो रिपेयरिंग है उसका अमल है वो शुरू किया जाएगा। लिहाजा कराची से लाहौर आने वाली तकरीबन 8 ट्रेनें ऐसी हैं जो लाहौर पहुंचना बाकी है और जैसे ही वो लाहौर पहुंचेगी वो भी उनके ऊपर भी वो पाबंदी का इतलाक है वो हो जाएगा। लिहाजा मुसाफिरों की बात करें तो कराची से आने वाले मुसाफिरों की तादाद वैसे ही शामिल है और रेलवे इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है कि उनकी फ्यूमिगेशन के साथ साथ उनके साथ जो स्क्रीनिंग का अमल है वो अपनी मदद आपके तहत भी किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें ट्रेन ऑपरेशन की तो आज रात 12 बजे जिसका इतलाक है वो तमाम पाकिस्तान भर में हुआ था, लेकिन गुज़श्ता रोज़ कराची से चलने वाली ट्रेनें हैं वो आज लाहौर पहुँच रही हैं और जैसे ही वो लाहौर पहुँचेंगी पाबंदी का इतलाक है उन पर भी हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। ट्रेन ऑपरेशन की बंदिश का इत्तलाक हो गया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की तादाद ना होने के बराबर। कराची से गुज़श्ता रोज़ रवाना होने वाली ट्रेनों की लाहौर आमद जारी। आखिरी ट्रेन खैबर मेल एक्सप्रेस रात 7:30 बजे लाहौर पहुंचेगी। सईद अहमद सईद से जान लेते हैं। जी सईद, बिल्कुल, वजारत रेलवे के बाद ट्रेन ऑपरेशन की बंदिश का मामला जो है वो आज रात 12 बजे से ही उसका इतलाक है वो लाहौर समेत मुल्क के तमाम बड़े रेलवे स्टेशन पर है वो हो चुका है। और रात गए जो और गुज़श्ता रोज़ कराची से चलने वाली ट्रेनें थी वो आज लाहौर है अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक है वो लाहौर आ रही हैं। और रेलवे इंक्वायरी के मुताबिक आज तकरीबन 8 ट्रेनें मजीद है वो लाहौर पहुंचेगी, जिनमें ग्रीन लाइन है, पाक बिजनेस समेत अलामा इकबाल एक्सप्रेस है, फरीद एक्सप्रेस है, शाह हुसैन है, कराक्रम है। और ये ट्रेनें हैं अपने लाहौर पहुंचने के बाद अपनी मुकर्रर मंजिल मकसद पहुंचने के बाद बंद कर दी जाएंगी।